सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फ़ोन के कंट्रोल सेंटर को कस्टमाइज कर सकते हो, यानी आप अपने फ़ोन के कंट्रोल सेंटर को कैसे चेंज कर सकते हो, स्टाइलिश कैसे बना सकते हो। क्योंकि दोस्तों, हमें जो कंट्रोल सेंटर मिलता है वो कुछ इस तरह का मिलता है, ठीक है, जो देखने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है, हम यूज करते करते भी बोर हो जाते हैं, हमें कुछ नया चाहिए होता है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको आप यूज करके आप अपने फ़ोन के कंट्रोल सेंटर को चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड में आप अपना फोटो सेट कर सकते हो जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। सेम इसी तरह आप भी अपने फ़ोन के कंट्रोल सेंटर को कस्टमाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड में आप अपना फोटो सेट कर सकते हो। जो भी देखेगा एक बार जरूर चौंक जाएगा, आपसे पूछेगा कि यार भाई कैसे आपने कंट्रोल सेंटर को चेंज किया है, बैकग्राउंड में आपने अपना फोटो कैसे सेट किया है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और गाइस अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप किस कंपनी का फोन यूज करते हो, जिससे दोस्तों मुझे ये पता चलेगा कि आखिर जो मेरे व्यूवर्स हैं वो किस कंपनी का फोन सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जिससे उस फोन से रिलेटेड मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो दे पाऊँ। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आपको सबसे पहले अपने फोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, ठीक है। आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहां पर सर्च करना है वन सैड। आपको यहां से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। 4.1 की काफ़ी अच्छी रेटिंग है, 50 लाख से भी ज़्यादा बार ये डाउनलोड किया जा चुका है। तो ऑलरेडी मैंने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इसमें सेटअप करना है, कैसे आपको फोटो को सेट करना है, ठीक है। तो अब आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आपको कुछ परमिशन अलाउ करने हैं, ठीक है। आपको एक एक करके सभी परमिशन को अलाउ कर देना है। दोस्तों, जब आप सभी परमिशन को अलाउ कर दोगे, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस मिलेगा, इस एप्लीकेशन का मेन पेज मिल जाएगा। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे सेटिंग्स मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेआउट का, आपको इस पर क्लिक करना है। इसमें आपको कस्टमाइजेशन के काफ़ी सारे फीचर्स मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे। आप यहाँ से क्लॉक के पोजीशन को चेंज कर सकते हो, इसके बाद आप यहाँ से आइकन के शेप को चेंज कर सकते हो। आपको काफ़ी सारे शेप मिलेंगे, आप देख सकते हो, आप शेप को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। इसके साथ में आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कलर्स का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आप बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे सेटिंग्स मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे, नोटिफिकेशन बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, आप यहाँ से सब कुछ चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे फ़ोन का जो कंट्रोल सेंटर है अभी चेंज नहीं हुआ है। आपको सिंपली इसको ऑफ करना है, ऑन करना है, और दोस्तों ये आपके फ़ोन में अप्लाई हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे फ़ोन का जो कंट्रोल सेंटर है वो चेंज हो चुका है, ओके। अब आपको बैकग्राउंड में फ़ोटो को सेट करना है। आपको सिंपली कलर्स पर क्लिक करना है, कस्टम बैकग्राउंड इमेज पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना है। आपके फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ से उस फोटो को सेलेक्ट कर लेना है जिसको आप बैकग्राउंड में सेट करना चाहते हो, ठीक है। अब आपको फ़ोटो को क्रॉप करना है इस तरह, इसके बाद आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना है, ओके। अब दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे फ़ोन का जो कंट्रोल सेंटर है वो कस्टमाइज हो चुका है, बैकग्राउंड में फ़ोटो सेट हो चुका है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो जो क्लॉक है वो फोटो को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। आपको क्लॉक के पोजीशन को चेंज कर देना है, इसके साइज को भी छोटा कर देना है, ठीक है। आपको बैक जाना है, लेआउट पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बिग क्लॉक साइज, आपको इस पर क्लिक करना है, इसको छोटा करना है, ठीक है। आपको 30 पर सेट कर देना है, ओके पर क्लिक करना है। अब आपको पोजीशन को चेंज करना है, ठीक है। आपको पोजीशन पर क्लिक करना है, इसको लेफ्ट में कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो क्लॉक हमारा यहाँ पर आ चुका है, और जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। सेम इसी तरह गाइस, आप भी अपने फ़ोन के कंट्रोल सेंटर को कस्टमाइज कर सकते हो, कंट्रोल सेंटर के बैकग्राउंड में अपना फोटो सेट कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।